नगर पालिक निगम भिलाई में खुले में अवैध रूप से मांस विक्रय करने वालों की बैठक लेकर गुरुवार को शाम के 5 बजे तक अंतिम समय दिया गया था कि वह 5 बजे तक अपने अवैध कब्जे हटाकर अवैध मांस विक्रय को बंद कर दें। ऐसा नहीं करने पर निगम ने कार्रवाई करते हुए सुभाष चौक में अवैध रूप से मांस विक्रय एवं सब्जियां बेचने वाले व्यापारियों के कब्जों को पुलिस बल के साथ मिलकर ढहा दिया। गुरुवार को निगम सभागार में अवैध रूप से खुले में मांस विक्रय करने वाले व्यापारियों को बुलाकर निगम प्रशासन ने बैठक ली थी और उन्हें साफ शब्दों में शाम के 5 बजे तक अपने कब्जे हटा लेने को कहा था, जिस पर व्यापारियों ने अपनी स्वीकृति भी दे दी थी। परंतु शाम के 5 बजे तक अपना कब्जा नहीं हटाने की स्थिति में नगर पालिक निगम भिलाई अपने दल बल और पुलिस प्रशासन को साथ लेकर सुभाष चौक कैंप 1 भिलाई पहुंचा और स्कूल की बाउंड्री वॉल से लगे हुए अवैध रूप से मांस विक्रय करने वालों एवं अवैध रूप से कब्जा करके सब्जी बेचने वालों के कब्जों पर बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। इस कार्रवाई के दौरान जोन 3 के सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम के साथ जिला प्रशासन के अधिकारीगण एवं निगम प्रशासन का तोड़ू दस्ता साथ था। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी मौजूद था। कार्रवाई शुरू करते के साथ व्यापारियों के विरोध का सामना भी निगम प्रशासन की टीम को करना पड़ा, परंतु निगम प्रशासन के द्वारा दिए गए मियाद खत्म होने के बाद यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई की विस्तृत जानकारी जोन 3 के सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम सहित नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने मीडिया को दी है। इनको पहले भी जनवरी फरवरी में यहाँ पे तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा चुकी थी, समझाई दी जा चुकी थी कि स्कूल की बाउंड्री वॉल से लग करके अतिक्रमण अवैध कब्जे नहीं करना है। और यहाँ से शिकायत प्राप्त हुई थी कि चिकन मटन की दुकान के कारण आवारा पशु यहाँ घूमते हैं और बच्चों को काटते हैं और पब्लिक को परेशानी होती है। कई असामाजिक तत्व जो घूमते हैं और ये जो रिहायशी आसपास इलाका है, इन दुकानों से नागरिकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो उस शिकायत पर इनको नोटिस दी गई थी। उस नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद में आज इनसे बैठक भी ली गई थी। अपर आयुक्त महोदय द्विवेदी साहब थे, CSP बंछोर साहब थे, इनकी उपस्थिति में बैठक लेकर के समझाइश दी गई थी कि इन्होंने कहा था शाम तक हम हटा लेंगे, लेकिन इन्होंने शाम तक के अपना कब्जा नहीं हटाया। उसके बाद जिला प्रशासन के उच्चाधिकारी के निर्देश के अनुसार यह कार्रवाई करने में आई है। इनका समय तो वैसे सुबह ही समाप्त हो गया था 11 बजे 24 घंटे का, और उसके बाद में फिर भी हमने सोचा प्रशासन ने कि इनसे बात कर ले और इनको जवाहर नगर में जो दुकानें हैं वहाँ पे व्यवस्थापित करने की बात भी कही गई थी। इनको ले जा करके दुकानें दिखाई भी गई थी और ये भी कहा गया था कि आप यहाँ पर व्यवस्थित हो जाइए और जो भी वहाँ पर असुविधाएँ उसको दूर कर दिया जाएगा, पर ये वहाँ जाने को तैयार नहीं। इनका कहना है कि हम जो कुछ करेंगे यहीं करेंगे। तो इस प्रकार से एक अतिक्रमण करके अवैध कब्जा करके प्रशासन को चुनौती देने का काम कर रहे थे यहाँ के व्यापारी, जो प्रशासन को लगा कि जो जनता की शिकायत है वाजिब है और यहाँ पर खुले में जो है मांस बिक्री का जो नहीं होना चाहिए, जो शासन के आदेश है उस आदेश का पालन करते हुए उनको हटाया गया है। स्कूल की बाउंड्री वाल है दोनों तरफ और वहाँ से बच्चों को, पालकों को, शिक्षकों को परेशानियाँ थी, उनकी शिकायत एक लंबे समय से थी और इस यहाँ पर एक दो बार पहले कार्रवाई की जा चुकी है। देखिए वो राजनीतिक विषय जो भी हो, लेकिन शिकायत के आधार पर और प्रशासन के आधार पर हम कलेक्टर और कमिश्नर हम उनके निर्देशों का पालन करते हैं, बाकी राजनीतिक परिवर्तन के उस पर हमारे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आज सुबह 12 बजे निगम सभागार में एक बैठक आहूत की गई थी, उसमें सुभाष चौक कैंप 1 के जो अवैध रूप से स्कूल के बाउंड्री वॉल से लग के जो बाउंड्री वॉल था उससे लग के इन्होंने टीन सेट या फिर बांस बल्ली से ऐसा सेट डाल के रखा हुआ था, जिसमें ये प्रतिबंधित व्यापार खुले में मांस मटन विक्रय कर रहे थे। इनको 3 दिन पहले नोटिस दिया गया था, उसके बाद फिर 1 दिन और नोटिस दिया गया, इनकी म्याद ख़त्म हो गई। तो आज इन्होंने समय मांग के साहब से बोला कि आपसे हमको सभी लोगों को चर्चा करना है। तो माननीय अपर आयुक्त महोदय अशोक द्विवेदी जी ने इनको सभागार में बुलवाया, जिसमें CFC पावगर सब थे, TI साहब थे, CSP साहब थे। उन्होंने इनको कमिटमेंट किया था कि हमारी नोटिस की म्याद ख़त्म हो गई है सुबह, लेकिन हमको शाम को 5 बजे तक समय दे दीजिए तो हम अपना खुद उतार लेंगे, टीन टप्पर जितना भी है नुकसान मत कर नहीं होने देंगे। ठीक है, समय दे दिया गया। समय बीतने के बाद निगम प्रशासन अपनी कार्रवाई की है। ये तो उनका सहायक राजस्व अधिकारी का मामला है, मेरे को ये जानकारी है कि 9 और 7 सेट जो है सब्जी भाजी के सेट
जो थे 3 टपरे वो 7 ठो और 9 ठो जिनमें वो विक्रय हो रहा था खुले मास्क का। नहीं, दो तरफा एक तरफा नहीं, कार्रवाई है, कार्रवाई जितना प्रशासन में कार्रवाई की गई होती कागजी कार्रवाई उसके आधार पर कार्रवाई होती है। परंतु दूसरी ओर अवैध रूप से मांस विक्रय करने वाले एवं सब्जी बेचने वालों ने इस कार्रवाई को द्वेषपूर्ण बताया है और कहा है कि स्थानीय विधायक से सार्थक बातचीत होने के बाद भी निगम ने भारी मात्रा में पुलिस बल लाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जो कि गलत है और अब व्यापारियों के पास सड़क पर उतरकर परिवार सहित भीख मांगने की नौबत आ गई है। ये जो कार्रवाई हो रही है नगर पालिक निगम के माध्यम से कार्रवाई हो रही है। आज निगम के सभागृह में जिला प्रशासन, निगम प्रशासन और यहाँ के स्थानीय व्यापारी लोगों के साथ एक बैठक हुई जिसमें आम सहमति से तय कर लिया गया था कि यहाँ से सारी दुकानें हटा ली जाएगी और कहीं ना कहीं दूसरी जगहों पर विस्थापित की जाएगी और जिसका समीक्षा करने के लिए हम लोग निगम अधिकारियों के साथ तकरीबन 4:30 बजे तक साथ में मौजूद थे और हम लोगों को कहीं ना कहीं 4:30 बजे तक बिजी रख के उलझाया गया और जब हम लोग यहाँ पर आए उसके बाद हम लोगों ने अपने अपने सामान हटा लिया गया, सारे लोग हटा लिए थे। उसके बावजूद भी नगर पालिक निगम द्वारा जो ये कार्रवाई की गई है वो न्याय संगत नहीं है क्योंकि विधायक महोदय और निगम कमिश्नर महोदय से जो हमारी चर्चा हुई थी कि आप स्वेच्छा से हटा लो और हम स्वेच्छा से सारी चीज़ें हटा लिए थे। हम लोग को आदरणीय विधायक महोदय से बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा था मगर जिस तरह से नगर निगम ने ये जो कार्रवाई की है अचानक इतना बड़ा पुलिस विभाग बुला के तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि तानाशाही कार्रवाई नगर पालिक निगम द्वारा की गई है जबकि स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा अच्छा सहयोग मिला और सारी चीज़ें उनके साथ हमने बैठ के तय कर ली थी कि हम स्वेच्छा से अपनी दुकानें हटा लेंगे। उसके बावजूद भी हमने सारी चीज़ें हटा ली थी मगर तकरीबन 6:30 बजे अचानक नगर निगम द्वारा पुलिस बल बुला के अचानक कार्रवाई कर रहा है गलत है और न्याय संगत नहीं। इसके लिए हमें जिला प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि अभी तक जो सहयोग में लोगों को सदा से मिलते रहा है तकरीबन 40 सालों से आगे भी ये सहयोग मिलते रहेगा और जो भी नगर पालिक निगम आदेश देगी उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। यदि हम लोगों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाएगा तो पुनः इसी जगह पर हम लोग व्यवसाय अपना चालू कर देंगे। सर ऐसा मैं बताना ये चाहता हूँ सर कि आज मतलब 18/7 को मेरे द्वारा नगर निगम प्रशासन को मैंने एक पत्र लिखा था जिसमें कि मैंने पत्र लिख के उन्हें अवगत करा चुका था और उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया था जिसमें कि जोन कमिश्नर साहब भी आश्वासन दिए थे और मेसराम सर को भी कभी जानकारी में थी कि आप लोगों को मतलब यहाँ से मतलब हटाया नहीं जाएगा, पहले व्यवस्थापन किया जाएगा उसके बाद हटाया जाएगा। और सर व्यवस्थापन तो किया नहीं गया है, उससे पहले हटा दिया गया। बैठक में भी फ़ोन करके बुलाया गया था, हम लोगों ने सर बैठक में भी गए और बैठक में जाने के बाद में हम लोगों ने बता दिया कि सर हमारी विधायक महोदय से अच्छी तरीके से बात हो चुकी है कि हम लोग अपने इच्छा से हम लोग अपना अपना दुकान हटा लेंगे। ठीक है, बशर्ते क्या है कि हम लोग समय बहुत कम दिया गया, हमारे पास समय बहुत कम था, 24 घंटे के अंदर हटाने के उनको बोला गया था और ये आश्वासन दिया गया था। आज मतलब करीब 1.5-2 साल से मैं लगातार आवेदन कर रहा था कि भैया हम लोग मतलब फुटपाथ पर बैठते हैं तो बोला गया था कि आप लोग वेंडिंग जोन बना के यहाँ पे मतलब व्यवस्थापित। जवाहर नगर में बोला जरूर गया मगर वहाँ अवेलेबल नहीं है, वहाँ तो क्या पूरा जर्जर है और जर्जर होने के बावजूद भी वहाँ के लोगों ने बता दिया कि भैया कि वह अवेलेबल नहीं था क्योंकि वहाँ पे किसी भी वक्त कोई भी घटना घट सकती थी, है ना। और साहब से ये भी हम लोग चर्चा किए थे कि सर अगर आप जवाहर नगर भेजेंगे तो हम लोग मोहल्ले के रहवासी हैं और मोहल्ले के वासियों के कारण हमारा दुकान चलता है, सब्जी दुकान ऐसे चलेगी नहीं उतना दूर जाने से। तो उन्होंने ये बोला था कि ठीक है हम लोग ने यहाँ पर मतलब व्यवस्थापन आप लोग करेंगे, घुमटी जो बनाएंगे वो आप लोगों के पैसे में बनेगी, है ना। और इस बात को लेके मैं कम से कम 2500 बार मतलब अवगत कराता रहा और मैं एक किडनी रोग से पीड़ित व्यक्ति हूँ जो कि मैंने ये भी अवगत कराया उनको कि सर मैं एक बीमार व्यक्ति हूँ। तो बोला गया कि ठीक है आप लोगों के लिए भी हम लोग मतलब कर रहे हैं करके, ठीक है। और हम लोग जब दुकान खाली कर दिए हैं भैया, हम ये चाहते हैं कि जो इन लोग नगर निगम के द्वारा वादा किया गया कि आप लोगों के वार्ड में वेंडिंग जोन बनाया जाएगा तो वेंडिंग जोन बनना चाहिए, है ना, और बना के हम लोग का पहले व्यवस्थापन होना चाहिए उसके बाद में हटाया जाए। गौरतलब है कि इसके पूर्व भी कई बार सुभाष चौक के आसपास व्यापार करने वाले व्यापारियों को चेतावनी भरे नोटिस दिए जा चुके थे जिस पर अमल होता ना देख करके निगम भिलाई ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।